गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले अध्याय में हमने भारत में तुर्की आक्रमणों के संबंध में अध्ययन किया, जिसमें महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। उसी क्रम में आज हम उसके बाद का जो अध्याय है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना और उसका सुदृढ़ीकरण, उसका हम अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रारंभिक जो नाम आता है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आज हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अध्ययन करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का ही एक दास था, क्योंकि मोहम्मद गौरी के कोई पुत्र न था, अतः गजनी में अलाउद्दीन उसका उत्तराधिकारी हुआ, किंतु शीघ्र ही महमूद बिन गियासुद्दीन ने उसे अपदस्थ करके गद्दी पर अधिकार कर लिया। गौरी के भारतीय साम्राज्य का स्वामी उसका सबसे महत्वपूर्ण गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, जिसने एक नए राजवंश की नींव डाली जो गुलाम वंश के नाम से विख्यात हैं। 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी का समय सल्तनत युग के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर हम बात करें, तो जैसा कि हमने बताया कि भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के माता पिता तुर्क थे और तुर्किस्तान के निवासी थे। बाल्यकाल में ही लोग उसे दास बनाकर निशापुर ले गए थे और वहां के काजी ने उसे खरीद लिया था। जब उसके पहले स्वामी की मृत्यु हो गई तो उसके पुत्रों ने उसे फिर बेच दिया और अंत में वह मोहम्मद गौरी का गुलाम हो गया। निशापुर के काजी के पुत्रों के साथ कुतुबुद्दीन ने साधारण पढ़ने लिखने के अतिरिक्त घोड़े की सवारी की सीख ली और कुछ सैनिक शिक्षा भी प्राप्त कर ली थी। गजनी में उसे अपने साहस और विशेषकर उदारता के कारण अपने नए स्वामी का उसने ध्यान आकर्षित किया, मोहम्मद गौरी का ध्यान आकर्षित किया। उसने अपने कर्तव्य निष्ठा और स्वामी भक्ति का परिचय दिया, जिससे प्रसन्न होकर मोहम्मद गौरी ने उसे अपनी सेना की टुकड़ी का नायक बनाया, जिसके उपरांत वह अस्तबलों के अध्यक्ष अमीर आखुर के पद पर नियुक्त हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध के उपरांत 1192 ईस्वी में मोहम्मद ने अपने भारतीय साम्राज्य का शासक उसे नियुक्त किया और अपनी अनुपस्थिति में राजकाज चलाने का उसे पूर्ण अधिकार दे दिया था। कुतुबुद्दीन का राज्याभिषेक मोहम्मद गौरी की मृत्यु के 3 महीने बाद 24 जून 1206 ईस्वी के दिन संपन्न हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि मोहम्मद गौरी की भी यही इच्छा थी कि मोहम्मद के कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में उसका उत्तराधिकारी बने, क्योंकि 1206 ईस्वी में उसने उसे नियमित रूप से अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर मलिक की उपाधि से विभूषित किया था। जब मोहम्मद की मृत्यु का समाचार विदित हुआ तो लाहौर के नागरिकों ने मोहम्मद कुतुबुद्दीन को राजशक्ति धारण करने के लिए आमंत्रित किया। वह दिल्ली से लाहौर पहुंचा और राज्य की बागडोर अपने हाथ में ली, किंतु उसका राज्याभिषेक अपने स्वामी की मृत्यु के 3 महीने बाद में संपन्न हुआ। सिंहासन पर बैठते ही सबसे पहले कुतुबुद्दीन ने चतुर्वैवाहिक नीति के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया।
उसने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से बहन का नासुरुद्दीन कुबाचा तथा स्वयं अपना विवाह ताजुद्दीन यल्दोज की पुत्री के साथ किया। सिंहासनारोहण के समय उसने मलिक तथा सिपहसालार की उपाधियां धारण की किंतु सुल्तान की नहीं। ऐसा ज्ञात होता है कि उसने न तो अपने नाम के सिक्के जारी किए और न ही खुतबा ही पढ़वाया। इसका इस कारण संभवतः यही था कि कानूनी दृष्टि से वह उस समय तक भी गुलाम ही था। सिंहासनारोहण के बाद में हम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा साम्राज्य विस्तार के लिए किए गए प्रयासों की हम बात करें तो एक दास के रूप में मोहम्मद गोरी के समय भी अपने स्वामी की अनुपस्थिति में कुतुबुद्दीन ने 1192 ईस्वी में अजमेर और मेरठ में विद्रोहों का दमन किया। तदुपरांत उसने दिल्ली पर अधिकार किया और आगे चलकर इस देश के तुर्की साम्राज्य की राजधानी बनी। 1194 ईस्वी में उसने अजमेर के दूसरे विद्रोह का दमन किया और फिर कन्नौज के गढ़ वालों के विरुद्ध युद्ध में अपने स्वामी का सहयोग किया, जिस युद्ध में जयचंद की पराजय भी हुई और मृत्यु भी हुई। उस युद्ध में ऐबक ने महत्वपूर्ण रूप से भाग लिया था। 1195 ईस्वी में उसने अलीगढ़ पर अधिकार किया और फिर वहां से चौहानों के तीसरे विद्रोह का दमन करने के लिए अजमेर गया। इसी रण यात्रा के दौरान में उसने रणथंभौर के प्रसिद्ध किले को जीत लिया। 1197-98 ईस्वी में ऐबक ने बदायूं, चंदवार और कन्नौज पर अधिकार किया। इसके बाद उसने राजपूताना में सैनिक कार्यवाही प्रारंभ की और सिरोही राज्य तथा मालवा के कुछ भाग को विजित कर लिया, किंतु उसकी ये विजय स्थायी सिद्ध नहीं हुई। 1202-3 ईस्वी में ऐबक ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया और चंदेल राजा परमर्दी देव को हराकर कालिंजर, महोबा और खजुराहो पर अधिकार कर लिया। उसके महासहायक सेना नायक इकियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार तथा बंगाल के कुछ भागों को जीत लिया, जिसका हम पहले उल्लेख कर चुके हैं। इस प्रकार से हम देख चुके हैं कि अपने स्वामी की मृत्यु से पहले तथा स्वयं सिंहासन पर बैठने से पूर्व कुतुबुद्दीन लगभग समस्त उत्तरी भारत का स्वामी था और अपने स्वामी के सहायक सेनापति और प्रतिनिधि की हैसियत से वह इस देश में कार्य कर रहा था। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन के राज्याभिषेक के बाद उसने 4 वर्ष शासन किया। इस काल में उसने कोई नई विजय प्राप्त नहीं की, क्योंकि उसे इतना समय नहीं मिला कि सुदृढ़ शासन व्यवस्था की स्थापना कर सकता। उसका शासन प्रबंध पूर्णतया सैनिक था और सेना की सहायता पर ही निर्भर था। राजधानी में एक शक्तिशाली सेना के अतिरिक्त उसने हिंदुस्तान के सभी भागों एवं महत्वपूर्ण नगरों में रक्षा सेनाएं नियुक्त की। स्थानीय शासन उसने भारतीय पदाधिकारियों के हाथों में छोड़ रखा था और राजस्व संबंधी पुराने नियम ही पूर्ववत बने रहे। राजधानी तथा प्रांतीय नगरों में शासन चलाने के लिए मुसलमान पदाधिकारी नियुक्त किए, उनमें से अधिकतर उसके सैनिक ही थे। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की चोगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हुई और उसे लाहौर में दफनाया गया। उसकी कब्र पर एक अत्यंत साधारण सा स्मारक खड़ा किया गया, जो उत्तरी भारत के पहले स्वतंत्र तुर्की सुल्तान की प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक के मूल्यांकन के बारे में हम अध्ययन करें तो कुतुबुद्दीन एक महान सेना नायक था। वह प्रतिभाशाली सैनिक था
और हीन तथा दरिद्र अवस्था से उठकर शक्ति तथा यश के शिखर पर पहुंच गया था। उसमें उच्च कोटि का साहस और निर्भीकता थी और वह उन योग्य तथा शक्तिशाली गुलामों में से था जिसके कारण मोहम्मद गोरी को भारत में इतनी सफलता प्राप्त हुई थी। ऐबक ने अपने स्वामी के लिए भारत में अनेक नगर और राज्य जीते थे, किंतु अपने शासनकाल में वह कोई विजय प्राप्त नहीं कर सका। इसका मुख्य कारण उसकी अन्य उलझनें थीं। योग्य सेना नायक होने के साथ साथ ऐबक का साहित्य से भी अनुराग था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दो मस्जिदें बनवाई थी, एक दिल्ली में जो कुव्वत उल इस्लाम के नाम से विख्यात हैं और दूसरी अजमेर में ढाई दिन का चौपड़ा जिसे हम कहते हैं। मुसलमान लेखकों ने भी उसकी उदारता की प्रशंसा की है। उनका कथन है कि वह लाख बख्श के नाम से प्रसिद्ध था, किंतु वह हत्याओं के लिए भी बदनाम था और लाखों ही व्यक्तियों का उसने वध भी करवाया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अपने बहुत छोटे शासनकाल में कुतुबुद्दीन ने, जिसके रूप में उस महत्वपूर्ण उसकी जो पहचान रही वो यही है कि वह भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। धन्यवाद।